we have learned about Indian place value system and international place value system. Now we talk about face value and place value. So let us start from face value. What is face value? Face value means digit itself. We can say face value means same number. So it never change. It never change. इसे हम एक ट्रिक से भी समझ सकते हैं. फेस, फेस मीन्स चेहरा. क्या कभी किसी का चेहरा बदलता है? नहीं बदलता ना. तो सेम जैसे फेस कभी नहीं बदलता, उसी तरह से याद रखो कि फेस वैल्यू भी कभी नहीं बदलेगी. ओके, सपोज वी हैव नंबर इज 6, 2, 9. सो व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 6? फेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6 बिकॉज फेस वैल्यू मीन्स डिजिट इटसेल्फ. सो फेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6. नेक्स्ट, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 2? सेम, फेस वैल्यू ऑफ 2 इज डिजिट इटसेल्फ. सो फेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2. एंड देन व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 9? फेस वैल्यू ऑफ 9 इज ऑल्सो 9. गॉट इट? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू, व्हाट इज प्लेस वैल्यू? प्लेस वैल्यू मीन्स प्लेस ऑफ द डिजिट. एंड टू फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट प्लेस ऑफ द डिजिट. यू नो व्हाट इज प्लेस? सपोज वी हैव नंबर 4, 6, 2, 9. व्हाट इज द प्लेस इन इट? 9 इज इन वन्स प्लेस, 2 इज इन थाउजेंड प्लेस, सॉरी टेंस प्लेस, 6 इज इन हंड्रेड प्लेस एंड 4 इज इन थाउजेंड प्लेस. गॉट इट? सो प्लेस वैल्यू इज 9 डिजिट बाय डिजिट मल्टीप्लाइड बाय प्लेस वेयर इट इज पुट. सो 9 वेयर इट इज पुट? 9 इज पुट इन वन्स प्लेस. सो व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 9? प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 9 मल्टीप्लाइड बाय प्लेस वेयर इट इज पुट एंड दिस इज वन्स प्लेस. सो 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 9. तो प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 9. ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2? प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2 मल्टीप्लाइड बाय प्लेस वेयर इट इज पुट एंड वेयर इट इज पुट? 2 इज पुट इन टेंस प्लेस. तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल टू 20. प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 20. व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 100? प्लेस वैल्यू ऑफ 100 6 प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6 मल्टीप्लाइड बाय दिस इज इन 100 प्लेस. सो 6 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल टू 600. व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4? प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इन 1000 प्लेस. सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इक्वल टू 4000. सो प्लेस वैल्यू मीन्स 4000. गॉट इट? सो प्लेस वैल्यू मीन्स प्लेस ऑफ द डिजिट, प्लेस वेयर इट इज पुट ऑफ द डिजिट. सो लेट अस सी अनदर एग्जांपल ऑफ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू टुगेदर. सो वी हैव अ नंबर ऑफ 5, 4, 6, 8, 2. सो फर्स्ट लेट्स सी एन अनदर एग्जांपल ऑफ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू टुगेदर. वी हैव नंबर 5, 4, 6, 8, 2. टू फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू फर्स्ट वी हैव टू पुट देयर प्लेसेस. सो 2 इज इन वन्स प्लेस, 8 इज इन टेंस प्लेस, 6 इज इन हंड्रेड प्लेस, 4 इज इन थाउजेंड प्लेस एंड 5 इज इन 10,000 प्लेस. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट डिजिट इज 2.
what is the face value of 2? As you know, face value means digit itself, that means same number. So face value of 2 is 2. And place value of 2 is 2 multiplied by place where it is put, and 2 is in 1's place. So 2 multiplied by 1 equal to 2. Face value of 2 is 2. Next digit is 8. What is the face value of 8? Face value of 8 is 8, because face value never change. And place value of 8 is 8 multiplied by place where it is put, and 8 is in 10's place. So 8 multiplied by 10 equal to 80. Next digit is 6. Face value of 6 is 6. And place value of 6 is 6 multiplied by place where is it put? Where 6 number, 6 is in 100 place. So 6 and multiplied by 100 equal to 600. Okay. Next digit is 4, and face value of 4 is 4, and place value of 4 is 4 multiplied by 4 is in 1000 place. So 4 multiplied by 1000 equal to 4000. And last is it 5. Face value of 5 is 5, and place value of 5 is 5 multiplied by place where it is put. 5 is in 10,000 digit. So 5 multiplied by 10,000 equal to 50,000. So this is the face value of these digit, and that is place value of these digit. Okay, got it? Now we talk about expanded form. Expanded form. What is expanded form? Expanded form means sum of the face value. Let us example. We have 4, 5, 7, 6, 3 number. How to write in expanded form? For expanding, first we write places of this digit. So 3 is in 1's place, 6 is in 1000's place, 7 is in 100's place, 5 is in 1000's place, and 4 is in 10,000's place. Expanded form means sum of the place value. That means starting writing the place value and add them. Okay? So first, we'll start from 4. 4 is in 10,000 place. So what is the place value of 4? 4 multiplied by 10 equal to 40,000. We have to add. So we'll put plus sign. Next, 5. 5 is in 1000 place. So 5 multiplied by 1000, 5000. Plus 7. 7 is in 100 place. 7 multiplied by 100 equal to 700. Plus 6 is in 10's place. So 6 multiplied by 10's equal to 600 place. 60. Plus 3 multiplied by 1 equal to 3. So that is expanded form. Expand ka matlab hota hai bada karna ya phailana. To hamare paas tha chota sa number, aur usko humne dekho kitna bada karke likh diya. Okay, I think you can understand this. Now I'm telling about short form. We have number 70. Sorry. Now we will write these numbers into short form. मैं आपको बहुत simple तरीका बता रही हूँ short form का.
इसके लिए हम सबसे पहले प्लेसेस लिखेंगे. ओके, सो वी विल राइट प्लेसेस. वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, टेन लाख, करोड़ एंड टेन करोड़. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम वंस प्लेस. फाइव इज इन वंस प्लेस, तो वी विल राइट हियर फाइव. फोर हंड्रेड, दैट मीन्स इन हंड्रेड प्लेस वी विल राइट फोर. फोर मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड, मल्टीप्लाइड फोर हंड्रेड, थर्टी थाउजेंड. वन टू थ्री फोर ज़ीरो, काउंट करो इधर से, वन टू थ्री फोर डिजिट. और इसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे थ्री. ओके, अगेन ज़ीरो काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स डिजिट छोड़ करके लिखेंगे टू. तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छोड़ कर यहाँ लिखेंगे हम टू. अगेन ज़ीरो काउंट करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. सो एट प्लेसेस छोड़ करके हमें लिखना है वन. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट प्लेस छोड़ करके हमें यहाँ पे लिखना है वन. ओके, देयर इज नो नंबर, सो आई हैव टू राइट ज़ीरो. देयर इज नो थाउजेंड नंबर, आई हैव टू राइट ज़ीरो. तो जहाँ पर कोई नंबर नहीं है हम वहाँ पर क्या लिख देंगे, ज़ीरो. नाउ वी विल पुट कॉमास, यू नो वंस, टेंस, हंड्रेड, वी विल पुट कॉमा हियर, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, वी विल पुट कॉमा हियर, लाख, टेन लाख, अगेन वी विल पुट कॉमा हियर एंड करोड़, टेन करोड़, ट्वेंटी लाख, थर्टी थाउजेंड, फोर हंड्रेड एंड फाइव. एंड दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म. नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग. व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर मीन्स ऑर्डरिंग द नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट. दैट मीन्स वी स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट नंबर एंड देन मूविंग ऑन टू द बिगेस्ट नंबर. ओके, नेक्स्ट इज डिसेंडिंग ऑर्डर. व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स ऑर्डरिंग द नंबर फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट. दैट मीन्स फर्स्ट वी स्टार्टिंग फ्रॉम बिगेस्ट नंबर एंड देन मूविंग ऑन टू द लोएस्ट नंबर. लेट इट सी, लेट इट सी हाउ वी कैन अरेंज दीज नंबर in ascending and descending order. Okay, first we will arrange in ascending order. In ascending or descending order, before we convert, first we have to count digits. They all are in five digits. Suppose in case there is only three digit, that means three is in smallest digit, smallest number. Okay, now there are five digit, there are also five digit, there are also five digit, and there are also five digit. They all have same digit. So how to arrange in ascending order? As we know, in ascending order, first we're starting from smallest number and then moving on from biggest number. First we can write here in first number, we can write here places, ones, tens, hundred, thousand and ten thousand. That means they all are digit in 10,000. So we compare only 10,000 digits. So first 10,000 digit is 12. First 12,000 digit is 23, 32 and 13. What is smallest number?
12, 23, 32 and 13. What is smallest number? Smallest number is 12. So ascending order, we start from 12,345. Remaining these numbers, what is smallest number? 13,245. And next, 23,145. And last, 32,145. Okay, now you can do ascending order. Now, descending. Descending means biggest to smallest. So starting from biggest number, what is the biggest number in this series? Biggest number is 32,145. Next, 23,145. 13,245. And smallest number is 12,345. I hope you can understand all these topics. Now chapter 1 has been completed. This is your homework. Do this properly and practice again and again.